केरल में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। इस बीच कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 11 अगस्त से नए दिशा निर्देश को लागू करने का निर्णय लिया है। नए निर्णय के अनुसार दुकानों, बाजारों, बैंकों और पर्यटन स्थलों में सिर्फ उन लोगों को अनुमति दी गई है जिन्होंने टीके के कम से कम एक खुराक ली है या जिनके पास 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। ये दिशा निर्देश श्रमिकों और विजिटर्स दोनों के लिए लागू है। राज्य आपदा नियंत्रण प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि वो इसे सुनिश्चित करने के लिए माल और स्थानों पर अपने कर्मियों को तैनात करेगा। हालांकि व्यापारियों के निकायों और विपक्षी दलों के नए प्रतिबंधों का विरोध किया है, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसे ये कहते हुए सही ठहराया है कि गंभीर परिस्थितियों में ऐसे उपायों की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह के बाद COVID-19 मामलों में कमी देखी गई है और घटकर 20,000 नीचे आ गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,34,196 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। जांच के बाद 13,87% पॉजिटिव रेट के साथ 18,607 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 93 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 17,747 पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में राज्य की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 24 घंटे में देश में 39,070 मामले और 491 मौतें हुई हैं। देश में इस समय 4,06,822 सक्रिय मामले हैं, जबकि सिर्फ केरल में 1,76,572 मामले सक्रिय हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।